हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनस्क्रिप्टेड इंजीनियर वंस अगेन। सो गाइस, ये वीडियो जो है वो पूरा डेडिकेटेड होने वाला है प्रोजेक्ट के ऊपर। एक्की जॉब एक इंस्टीट्यूट है, जैसा कि आपको पता है मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट जो है ना वो आपका की होता है, एक तरह मतलब ताले की चाबी होती है किसी भी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी तरफ। तो वो मतलब देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कुछ यूनिक है, कुछ सही है और कुछ टफ, कुछ हार्ड, बिगनर नहीं, इंटरमीडिएट एटलीस्ट और एडवांस लेवल का आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो वो सही चीज इम्पैक्ट करती है कंपनी को आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना करते हैं आधा। तो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स का क्या ये सीन है एक्की जॉब के अंदर। अगर आप एक्की जॉब के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, इनरोल हो गए हैं, तो आपको क्या क्या करना है, कब आपको प्रोजेक्ट पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सारे कंटेंट क्रिएटर चाहे जो भी ले लो, जो कोडिंग के फील्ड में है, वो सारे लोग यही बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कुछ साइड में प्रोजेक्ट का भी दिया, क्योंकि मेरा कंप्लीट हो गया है मेरा सेशन एंड नोट जेएस तक मैंने कर लिया है, तो अब उसके बाद से कुछ बचा नहीं है मेरे पास। तो अब रिकमेंडेड यही होता है कि आप प्रोजेक्ट्स कर ले, जबकि हालांकि ये अक्टूबर 20 का ही, पिछले ईयर का ही ये प्रोजेक्ट है आई थिंक। तो ये एप्पल वेबसाइट है, एप्पल वेबसाइट मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो है एक्की जॉब सिखाना बनाना सिखाती है अपने स्टूडेंट को, तो इसको आप बना सकते हैं। लेकिन लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले है जो कि आप जो इस पे टेक स्टैक अपना यूज करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी जो यूज करने वाले हैं, उसकी नॉलेज आपको कितनी है। क्योंकि देखो, प्रोजेक्ट अगर अच्छा है तो उसमें डेप्थ नॉलेज की जरूरत होने वाली है, तो आप उसका कर सकते हैं, पहले आप स्टडी कर लीजिए अच्छे से एंड उसके बाद से उसमें जितने भी छोटे मोटे चीज हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स में जो जो काम आते हैं उसको आप लोग सीख लीजिए। आफ्टर दैट गूगल है, चैट जीपीटी है, जिसका आप यूज कर सकते हैं वाइल मेकिंग प्रोजेक्ट। ओके, तो देख सकते हैं ये तो अभी छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये फ्रंट एंड प्रोजेक्ट जो है, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। एप्पल वेबसाइट थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट मांग सकते हैं, मेजर प्रोजेक्ट में इनके यही आते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक क्रिप्टो कंट्रोल बनाया था, तो वो भी एक ऐप है, वेब ऐप है, जिसपे की क्रिप्टो करेंसी का डाटा आप लोग देख सकते हैं, जिसमें की चार्ट यूज हुआ है, मटेरियल यूआई का सबसे ज्यादा मेजरली यूज हुआ है आई थिंक, तो वो सब चीज है। स्लैक क्लोन है, ये तो क्लोन है, क्लोन वाले ऐप है, एयरबीएनबी क्लोन है, तो ये सारे तरह के कुछ प्रोमिनेंट है, तभी तो ये सामने दिख रहे हैं। फिर मैं आगे दिखाता हूं कि आपको इसको करना कैसे है। सो गाइस, लेट्स गो विद इट। पहले हम लोग सॉरी एप्पल वेबसाइट पहले ओपन करते हैं, इसमें क्या सिनेरियो है, कैसे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखता है आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, इंटरफेस आपके सामने आ गया है, स्टेप्स दिए हुए हैं कंप्लीट करने को इसको। बिल्डिंग द हेडर, क्रिएटिंग द हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन देखो, ये है ना, आदत डाल लो हीरो सेक्शन, अब ये आपको हर चीज दिखेगा। हीरो सेक्शन क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का मेन जो पोर्शन होता है ना, उसको हीरो सेक्शन नाम दे देता है कोई भी डेवलपर। तो ये कुछ चीज है जो कि मतलब कि होने वाली है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड जैसे फेमस नहीं है कोडिंग की दुनिया में, सबको स्टार्ट करते हैं हेलो वर्ल्ड से ही, तो उसी तरह की ये सीनरियो है कि हीरो सेक्शन सब लोग मतलब मेजरली यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड बन गया है आपस में कि हीरो सेक्शन रखा है उसका। क्राफ्टिंग द प्रोडक्ट फाइनेंस सेक्शन, क्राफ्टिंग द प्रोडक्ट एसेसरीज सेक्शन, तो इस तरह करके आपका ये चलेगा, यूआई वाला डेवलपमेंट चलेगा। तो यूआई का अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोटाइप भी है, तो फिग्मा वाला लिंक ओपन करते हैं हम लोग। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस आया है फिग्मा का। फिग्मा देखो एक ऐसा एक वेबसाइट मान लो, जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आपको फ्रंट एंड यूआई जो यूजर इंटरफेस है वो कैसा बनाना है। इसमें आपको सारी डिटेल्स भी रहती है कि किसका इमेज का अगर आपको जरूरत है तो इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं आप अपने डेस्कटॉप में एंड उसके बाद से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग में, अपना वीएस कोड में जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह का आपका कुछ दिखने वाला है यूआई, ऐसे करके आप स्क्रॉल कीजिएगा तो एक सिंगल पेज ही है, रिएक्ट का यूज करके ये बनने वाला है। सिंगल पेज एप्लीकेशन बहुत तगड़ा बनता है रिएक्ट का यूज करके। तो इस तरह से वेज टू वाई आईफोन ये सब कुछ आपको डालना है। तो ये कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, ये कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे देख सकते हो एसेसरीज का अलग सेक्शन, सपोर्ट का अलग सेक्शन है। तो इस तरह करके ऊपर से नीचे तक जब तक स्क्रॉल जाते एकदम लास्ट एंड पेज पे आ जाते हैं आप लोग, तो नीचे का भी ये फुटर सेक्शन है। तो दोस्तों, इस तरह से कैटेगराइज होता है कोई भी प्रोजेक्ट को, लाइक उसमें बॉडी है। सो दोस्तों, अभी तो हमने प्रोटोटाइप देख लिया कि कैसा वो दिखने में लगेगा, तो हाउ टू एक्सपोर्ट एसेट्स तो वहीं पे आपको दिख जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है
और उसके बाद से फिर आप ये आपको जो है ये ट्यूटोरियल्स में सिखा भी देंगे, जब एक्यूजॉब के जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो अच्छे से सिखा भी देंगे। तो इजी है ये सब, तो कुछ नहीं। ओपन एक्सपोर्ट सेटिंग, आई कैन चूज योर एक्सपोर्ट सेटिंग, तो ये सब कर सकते हैं आप। हर चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक उसका इमेज है, आईफोन का फोटो है, उसमें आइकन्स है, उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो कंपोनेंट्स, तो आप देखो जब रिएक्ट होता है तो वहां पे कंपोनेंट्स पे ही बनते हैं प्रोजेक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हेडर का अलग कंपोनेंट होता है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट कंपेरिजन का, प्रोडक्ट फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट एसेसरीज, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, फुटअप। तो दोस्तों हर एक चीज के लिए कोडिंग होती है, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए कोडिंग होता है, तो इसलिए कोडिंग थोड़ा इजी नहीं है, एकदम इजी नहीं है। तो ये मत सोचना कि इजी होने वाला है एक पूरा वेबसाइट बनाना, उसमें भी अभी बहुत कुछ बाकी रहता है। उसको आपने प्रोडक्शन लेवल पे डिप्लॉय तो नहीं किया है, उसका क्लाउड सर्वर कुछ नहीं किया है, आप बस यूआई बना रहे हो और उसका फंक्शनैलिटी दे रहे हो, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप उसका फंक्शनैलिटी दे रहे हो। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, 100% नहीं है आपका, ये बस आपने समझ लो कि 40% काम किया है आपने एक वेबसाइट बनाने में। तो उतना ही सीखना है, इसी बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, जॉब ऑफर आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस का यूज करना है, फ्लैक्स ग्रिड्स एंड ये सब का यूज कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज, बूटस्ट्रैप आपको करना है, उसका ध्यान रखना है। मीडिया क्वेरीज का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, फोन में भी वो ऐप सही से काम करे, वेब ऐप जो आप बनाने वाले हो, तो ये सारे का ध्यान रख। तो इस तरह से आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बिल्डिंग द हेडर है, तो इस पे आप पहले हेडर क्रिएट कर सकते हैं एक कंपोनेंट बना के, एंड वहां पे क्या क्या करना है, देखो ये कोड भी दे दिए हैं लगभग कि ऐसे करके आपको ये बनाना है, फिर डिजाइन करना है। तो उसके बाद से फिर नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं, उसके बाद से मार्केट डन करेंगे तो फिर आप बिल्डिंग द प्रोडक्ट कंपेरिजन पे आते हैं। तो अभी ये वाला प्रोजेक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, कि आपको मान के चलो आपको आपके जो डैशबोर्ड है, जो आपका लैंडिंग पेज है, वहां पे अभी नहीं दिख रहा है ये प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट सेक्शन यहाँ पे एकदम डेडिकेटेड है, यहाँ पे जा सकते हैं। 450 DSA ट्रैकर जो बैकएंड की है, जो DSA एडवांस किए हैं उन्होंने, उनके लिए सही है DSA ट्रैकर, ये सारे देख लो। जावा, जावा के बेसिस पे है, ब्रेकआउट बॉल गेम, तो जावा के ऊपर प्रोजेक्ट है, HTML CSS React के ऊपर है, जावा एंड्रॉयड के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर लेवल का प्रोजेक्ट है, इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक। तो इसमें कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लाइक ये बिगिनियर वाला प्रोजेक्ट है, इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसको रीड कीजिए, वीडियोस यहाँ पे दिए हुए हैं, कहीं कहीं के यहाँ के वीडियोस दिए हुए हैं, तो इसका आप हेल्प ले सकते हैं। मार्केट्स डन करने के बाद फिर से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा एकदम स्टेप बाय स्टेप है। और मुझे तो लगता है कि ये सब पढ़ के आप खुद से जब करोगे ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू वीडियो से एकदम सेम कॉपी करने के, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप इसको एज ए डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें क्या क्या करना है, आप डेवलपर हो, आपको क्या कैसे इसमें बनाना है, इंस्टॉल करना है, वैसे तो एक एक स्टेप दिया हुआ है, इंस्टॉल करना है नॉट जेएस, तो इस तरह से करके आप इसको बना सकते हो। देन दोस्तों फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फिल्टर वाला भी ऑप्शन है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, कंप्लीटेड, ऑनगोइंग। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को कर दिया है स्टार्ट, तो ऑनगोइंग में देखो एप्पल का वेबसाइट वाला मैंने कर दिया था स्टार्ट, तो ये ऑनगोइंग में आ जाएगा मेरा प्रोजेक्ट। देन नॉट स्टार्टेड में आएगा, कंप्लीटेड में आएगा, तो ये सब कर सकते हैं। नाउ मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, और मैं लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि इंट्रो टू फिग्मा, अगर फिग्मा आपको समझ नहीं आ रहा है कि फिग्मा क्या है, कैसे ये वर्क करता है, तो वो आप देख सकते हैं। सो गाइस ये वाले प्रोजेक्ट वाले सेक्शन हो गए कंप्लीट, कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि प्रोजेक्ट को कैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्रिप्टो कंट्रोल मैंने बनाया, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा एकदम क्रिस्पी में एकदम देना है यहाँ पे नॉलेज, एकदम डिटेल्स जितने एकदम क्रिस्प फॉर्म में देना है। द एप्लीकेशन प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी प्राइस एज वेल एज हिस्टोरिकल डाटा फॉर द ईच क्रिप्टो करेंसी सर्च फ्रॉम टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी। तो इस तरह का ये डाटा है, टेक्स्ट स्टैक यूज किया मैंने, किया HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस मटेरियल यूआई चार्ट जेएस फ्रेमवर्क मोशन, तो ये सब जो है ना ये सब मैंने यूज किया है। प्री बिल्ट जो है ये मटेरियल यूआई जो प्री बिल्ट टेक्स्ट स्टैक है यार, चार्ट जेएस ये भी प्री बिल्ट है, फ्रेमवर्क मोशन, तो ये सब का मैंने यूज करना है। तो कंपनी को समझ में आएगी जब आप अप्लाई करोगे ये सब आपको यूज करना आता है, तो ये कुछ अलग ही अच्छा इम्पैक्ट देगा, कि मतलब आप ऐसे यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टैक्स। डिक्शनरी ऐप मैंने बनाया, तो उसके में मैं लॉडर का एक एक्स्ट्रा यूज किया है,
ई कॉमर्स ऐप बनाया है तो उसका HTML5, ये तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट बेसिस पे था, थोड़ा फंक्शनलिटी थी, 6 पेजेस थे इसमें। उसके बाद से देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने लाइव साइट अलग दिया है, गिटअप दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लाइव साइट देखना है वो लाइव साइट देख सकता है। लाइक ये खुल गया 1 सेकेंड में, लाइक इतना फास्ट है, तो इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से आपने देखा कि प्रोजेक्ट का क्या अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रहने वाला है आपके करियर में, जब आप टेक में करियर बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स भी नहीं, आप लोग पूछते नहीं हैं, मैं बहुत कुछ अभी रिवील करने वाला हूँ आपके सामने। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।